कोई आया। हाँ, तो मृणाल सेन नहीं रहे, भारतीय सिनेमा के कहा जाए हिंदी सिनेमा के भी बहुत मशहूर डायरेक्टर नहीं रहे, और उनका जाना मतलब मैं देख रहा हूँ काफ़ी, तो जब से ये खबर आई है उसके बाद से फेसबुक पे बहुत कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया पे श्रद्धांजलि दी जा सकती। आसानी से समझने के लिए अगर आप सिनेमा के कॉमर्शियल सिनेमा के शौकीन हैं, देख रहे हैं, तो ये समझने के लिए कि मृणाल सेन कौन थे, उनका क्या काम था और क्यों उनका जाना एक भारतीय सिनेमा का नुकसान है, तो एक तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि मृणाल सेन जो तिकड़ी कही जाती है, सत्यजीत रे, ऋतिक घटक और मृणाल सेन, तीन जो बड़े डायरेक्टर उनमें से एक थे और आखिरी डायरेक्टर थे। सत्यजीत और ऋतिक घटक बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके हैं और अब सिर्फ मृणाल सेन बाकी थे, और वो भी सक्रिय नहीं थे लेकिन जीवित थे, तो अब उनका वो भी नहीं रहे हमारे बीच में। और मृणाल सेन इन तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में, गौर कीजिए कि जो बाकी दो डायरेक्टर थे उनकी जो भाषा मुख्य मीडियम था वो बांग्ला था, वो बांग्ला में करते रहे। मृणाल सेन इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते थे, वो मानते थे कि सिनेमा है वो अच्छा सिनेमा है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलना चाहिए, तो अलग अलग भाषाओं में उन्होंने बनाया। हिंदी में फिल्में बनाई, तमिल में बनाई, उड़िया में बनाई, सिर्फ बांग्ला तक सीमित नहीं रखा खुद को, और बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाना शुरू, बहुत सारी भाषाओं में फिल्में बनाई और बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जिनको अपने समय से पहले के प्रयोग कहा जाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन का नरेशन में इस्तेमाल मृणाल सेन की देन है। जब एज एन एक्टर अमिताभ बच्चन एस्टैब्लिश नहीं थे, तब उन्होंने भुवन शोम में अमिताभ बच्चन को एज अ नरेटर इस्तेमाल किया, और वो अभी तक देखिए, आप लगान देख लीजिए, कहानी देख लीजिए, बहुत सारी फिल्में जिसमें अमिताभ बच्चन ने एज ए नरेटर, और जब पहली बार किया तो उनका बड़ा मजाक उड़ा। सत्यजीत रे ने उसकी आलोचना की, बाद में सत्यजीत रे ने वही काम खुद भी किया जो हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी पर, उसमें सत्यजीत ने वही प्रयोग किया, अमिताभ बच्चन से नरेशन कराया है, उसी अंदाज में कराया। अमिताभ बच्चन की बात करने के भी दो अंदाज है, एक वो जो उनका हेवी बेरीटोन वॉइस वाला है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं जैसा, और एक जो बहुत पोलाइटली वो बात करते हैं मृणाल, जैसे भुवन शोम में जो है, तो वैसे ही उन्होंने वो शुरुआत मृणाल सेन ने की। इसके बाद इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत बेहतरीन एक्टर दिया मिथुन चक्रवर्ती, पहली फिल्म मृगया थी, मृगया में उनको कास्ट किया जिसके लिए मिथुन चक्रवर्ती को पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। बाद में फिर मिथुन चक्रवर्ती दूसरी तरह की फिल्में करने लगे, नक्सल आंदोलन से पहले जुड़े हुए थे, फिर उसके बाद में एक अलग तरह का सिनेमा करने लगे, बी ग्रेड फिल्म में भी गए, लेकिन मृणाल सेन की देन है मिथुन चक्रवर्ती सीरियस एक्टर के तौर पर। इसके अलावा मृणाल सेन का सबसे अच्छा ये था कि वो सिनेमा को विरोध का माध्यम तो मानते थे, सरकार के विरोध से उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू की थी, लेकिन वो किसी पार्टी की राजनीति और उससे जुड़े हुए नहीं थे। बाकी डायरेक्टर्स जहां लेफ्ट ओरिएंटेड थे, लेफ्ट मेंबर्स थे, वो नहीं रहे कभी किसी पार्टी से जुड़े हुए, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी। इसके अलावा सिनेमा में जंप कट्स जिसको बोला जाता है, मोंटाज बोले जाते हैं, ये टेक्निकल भाषा, जो जंप कट बोलते हैं कि एक सीन चल रहा है, एकदम से बिल्कुल दूसरा सीन चलने लगता है। मान लीजिए एक जगह कहानी चल रही है, आधा सीन ख़त्म हुआ किसी के घर पे, हीरो के घर पे, और दूसरा आधा सीन हीरोइन के घर पे मान लीजिए शुरू हो जाता है, तो ये जंप कट बोला जाता है। तो ये मृणाल सेन हिंदी सिनेमा में लेके आए, मोंटाज लेके आए, नहीं एक साथ बहुत सारे सीन एक एक करके दिखाए जाते हैं, एक सीन कहीं और का, फिर कहीं और का, कहीं और का, सारे मिल जाते हैं, दैट इज मोंटाज। तो वो मृणाल सेन हिंदी सिनेमा में लेके आए, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लेके आए, इसलिए मृणाल सेन की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मृणाल सेन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो ये मत सोचिए कि वो कोई ऐसे फिल्म मेकर थे जो सीरियस इस तरह की फिल्में बनाते थे जो आपने कभी नहीं देखी, जिनके बारे में आप नहीं जानते। मृणाल सेन उससे कहीं ज़्यादा थे। मृणाल सेन का ज़रूरी जो सबसे ज़्यादा मतलब काम यही है कि वो सिनेमा में बहुत सारी नई कार्टून्स, हाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़, एनिमेशन जो सिनेमा के अंदर लेके आए, मतलब एक फिल्म, कार्टून फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने कई फिल्मों में देखा, जैसे हम तुम एक फिल्म देख लीजिए जिसमें पूरी कहानी लोगों के बीच में चलती है, लोग हैं, एक्टिंग कर रहे हैं सैफ अली खान, और बीच बीच में कार्टून्स के जरिए वो कहानी दिखाई जाती है। ये हॉलीवुड में, ये किल बिल में हुआ है। इसके अलावा एक कमल हसन की जो फिल्म थी, मुझे नाम अभय जो फिल्म थी उसमें भी हुआ। ये सबसे पहले मृणाल सेन ने शुरू किया और उस समय भी इसकी आलोचना हुई, सत्यजीत रे ने भी उस फिल्म को औसत फिल्म कहा था, और बाद में फिर यही चीज़ सत्यजीत रे ने भी इस्तेमाल की शतरंज के खिलाड़ी में। तो ये
अपने आप में एक आयरनी है। ऐसा नहीं था कि उन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन मतलब उस तरह का था कि दोनों एक दूसरे की आलोचना ही करते थे, बहुत सम्मान और मर्यादा के साथ में रहा। सत्यजीत रे हमेशा ज़्यादा सेलिब्रेटेड रहे और ज़्यादा कहा जाए एलीट और क्लास के लिए रहे, मृणाल सेन मास और क्लास के बीच में रहे। तो मृणाल सेन से जुड़ा अगर आपके पास कोई किस्सा हो तो बताइए। वैसे अविनाश द्विवेदी जो मेरे एक मित्र हैं न्यूज़ 18 में इस समय, उन्होंने फर्स्ट पोस्ट के लिए एक आर्टिकल लिखा था, वो आप जाके पढ़ सकते हैं। उस आर्टिकल से पहले भी मेरी और अविनाश की काफ़ी बात हुई थी, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है मृणाल सेन के ऊपर शायद, और वो अभी नहीं लिखा गया था, बहुत पहले फुर्सत से लिखा गया था, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, बहुत आपको पढ़ के मज़ा आएगा। और चाहिए हो तो आपको वो लिंक मिल सकता है। उस आर्टिकल के दौरान भी मेरी और अविनाश की काफ़ी बात हुई थी सत्यजीत रे और मृणाल सेन की तुलना को लेके और सारी चीज़ों को लेके। तो अगर हम चाहें तो फुर्सत से कभी उस पर बात कर सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल इंडियन पॉपुलर कोर्ट को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ताकि आपको सिनेमा कल्चर लिटरेचर से जुड़ी हुई चीज़ें आपको समय समय पर मिलती रहें, नई चीज़ें मिलती रहें। कुछ और जानना हो आप कमेंट में बता दीजिए, भी दे देंगे। धन्यवाद।